इनकार नहीं किया जा सकता कि मार्केट में तरह तरह के फ्राइड और प्रोसेस्ड फूड काफी बिक रहे हैं। इससे प्रोसेस्ड फूड के प्रति लोगों के अंधे प्यार के बारे में पता चलता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। आप देख रहे हैं स्वस्थ भारत। शायद आप नहीं जानते कि प्रोसेस्ड फूड आपके पेट और हृदय के साथ साथ आपकी स्किन के लिए कितने हानिकारक है। जी हाँ, तो आज हम जानेंगे कि स्ट्रीट फूड और प्रोसेस्ड फूड आपके लिए कितने हानिकारक है, साथ ही साथ आप इनसे कैसे दूर हो सकते हैं और खुद को कैसे बचा सकते हैं। आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके सेवन से एक्ने और सूजन सहित कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। पाचन स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकते हैं। कब्ज या दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं। हृदय संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं। तले हुए खाद्य पदार्थ खाने से हाई ब्लड प्रेशर, लो एचडीएल और मोटापा बढ़ सकता है। ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। ये खाद्य पदार्थ प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं, जो आपके लिए काफी नुकसानदायक है, जिससे ब्लड शुगर का स्तर बढ़ सकता है। वेट और मेटाबॉलिज्म होता है प्रभावित। जंक फूड में आमतौर पर अनहेल्दी फैट, शुगर और एम्प्टी कैलोरी अधिक होती है, जो आपके मोटापे को बढ़ा सकता है। आज बात करते हैं प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड और फास्ट फूड की। इस तरह का जो भोजन होता है, इसमें फाइबर की मात्रा कम होती है, वाटर की मात्रा कम होती है और तेल वगैरह, चिकने जो पदार्थ होते हैं और साथ में मैदा से बने हुए ये पदार्थ होते हैं, उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। और आजकल की यंग जनरेशन ही नहीं बल्कि हमारे बड़े लोग भी इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, जबकि ये बहुत सारी समस्याएं लेके आता है इस तरह का फूड। इसको ज़्यादा ग्रहण करने से या पर्टिकुलर एक तरह का ये जो भोजन हम जब ग्रहण करते हैं, तो लीवर का इन्फेक्शन और साथ में पेट की सूजन, हाथों की सूजन, इस प्रकार के इन्फेक्शन भी ये फूड अपने साथ में लेकर के आता है। आपकी बॉडी पर जंक फूड का प्रभाव बेहद नकारात्मक हो सकता है। प्रोसेस्ड फूड ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिन्हें पहले से बनाकर रख दिया जाता है और लंबे समय तक संरक्षित रखने के बाद उपयोग किया जाता है। लंबे समय तक खराब होने से बचाए रखने के लिए इसमें ऐसी सामग्री का इस्तेमाल होता है, यानी कि केमिकल का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। स्वस्थ समाज के लिए मानव का भी स्वस्थ होना बहुत जरूरी होता है, इसलिए एकल अभियान भी अपने एकल आरोग्य योजना से लोगों को बीमारियों से बचने और लड़ने के बारे में शिक्षा देता है। एकल आरोग्य योजना समाज कल्याण के लिए सदैव तत्पर है और साथ ही साथ हम अपने इस कार्यक्रम में आपको स्वस्थ रहने के टिप्स बताते रहते हैं। तो एकल भारत के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए अपना स्पेशल कार्यक्रम स्वस्थ भारत। नमस्कार।